वेलकम बैक स्टूडेंट। हम लोग लास्ट टॉपिक बात किए थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। मैंने बताया केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि जब ओल्ड बॉन्ड टूटता है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी व्हेन देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मैंने ये भी बताया कि केमिकल रिएक्शन को अगर उसके सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखा जाए तो उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं कैसे, वो भी लास्ट वीडियोज में हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे कि कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल रिएक्शन को प्रूफ करने के लिए तीन तरीका है। पहला तरीका, चेंज इन स्टेट का मतलब यह होता है कि अगर रिएक्टेंट का स्टेट और प्रोडक्ट का स्टेट डिफरेंट हो, यानी अगर मैंने रिएक्टेंट में जो चीज ली है वो सॉलिड के फॉर्म में है और प्रोडक्ट में वो चीज कन्वर्ट होते मान वो लिक्विड के फॉर्म में हो जा रही है, यानी स्टेट चेंज हो रहा है, तो भी ये बात प्रूफ है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी स्टेट चेंज होना भी केमिकल रिएक्शन है। दूसरा, चेंज इन कलर यानी अगर रिएक्टेंट का कलर और प्रोडक्ट का कलर अलग अलग हो, यानी मान लीजिए रिएक्टेंट का कलर कुछ और है प्रोडक्ट का कलर कुछ और है, तो ये भी क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आयरन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करा दें तो हमें फेरस सल्फेट और कॉपर मिलेगा। यहाँ पर ये जो कॉपर सल्फेट है इसका ओरिजिनल कलर होता है ब्लू, लेकिन रिएक्शन होने के बाद जो फेरस सल्फेट बना इसका कलर होता है ग्रीन, तो ये ब्लू से ग्रीन होना ये बात प्रूफ कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तीसरे पोर्शन में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसको हम कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। अगर रिएक्टेंट का टेम्परेचर प्रोडक्ट के टेम्परेचर से अलग है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसमें दो तरीका हो सकता है एंडोथर्मिक हो और हो सकता है एक्सोथर्मिक हो, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट लग रही है वो एंडोथर्मिक हो जाएगा और जिसमें से हीट निकल रही है वो एक्सोथर्मिक होगा। अगर आप लोग घर में चूने को कभी पानी में मिलाए होंगे तो देखेंगे पानी जो होता है वो हल्का सा खौलने लगता है, ये गर्म हो जाता है। तो होता क्या है, वहां से हीट निकल रही है ना, जब ये निकल रही है हीट तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। क्या हो गया, एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पर हीट निकल रही है। यानी अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिला रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रूफ कर रहा है ये हॉट होगा, ये उतना हॉट नहीं होगा, यानी रिएक्टेंट का टेम्परेचर कुछ होगा प्रोडक्ट का टेम्परेचर कुछ और होगा, ये बात प्रूफ कर रही है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अगर हमें FeSO4 को तोड़ना है तो मुझे हीट लगानी पड़ेगी इस रिएक्शन में, और जब हम हीट लगाएंगे तो ये टूटेगा Fe2O3 में प्लस SO2 में प्लस SO3 में। यानी अगर हीट लगा के किसी चीज को तोड़ा जा रहा है तो वो एंडोथर्मिक होगा, और अगर किसी चीज में से हीट निकल रही है तो वो एक्सोथर्मिक होगा। ये तो वो चीजें हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। आगे वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम पता करते हैं कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। थैंक यू।